हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का डीओई की तरफ से जो आपको प्रैक्टिस पेपर मिला, प्रैक्टिस पेपर 1 कराने वाली हूँ। ये पेपर हमने शुरू कर दिया है, इसका सेक्शन ए और सेक्शन बी कर चुके हैं। आज मैं आपको सेक्शन सी स्टार्ट करवाऊँगा। आपके पास 6 क्वेश्चन है और 3 मार्क्स ई। चलिए शुरू करते हैं। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, चैप्टर नंबर 1 का ही क्वेश्चन आ गया। आपको डिनोमिनेटर को क्या करना है, रेशनलाइज करना। नॉर्मली आप रेशनलाइज कर सकते अगर डिनोम दो टर्म्स हो, लेकिन यहाँ 3 टर्म्स दे रखी है। कैसे रैशनलाइज करेंगे, तो यहाँ देखिए, तो क्वेश्चन है आपके पास कौन सा क्वांटिटी। पहले मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख देती हूँ एक बार। तो आपके पास था 9 प्लस में रूट 5 प्लस रूट है, ठीक है। अब इसे रैशनलाइज करने के लिए नीचे जो है ना, तो दो टर्म्स में डिवाइड कर दो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 9 को अलग कर दिया और रूट 5 प्लस रूट को एक टर्म ले लिया। तो जब रैशनलाइज करते हैं तो अपोजिट वाले साइन से ही तो करते हैं, है ना। प्लस है ना, तो माइनस से रैशनलाइज कर दिया। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 9 माइनस 5 प्लस रूट न्यूमरेटर में। डोमिनेटर में मैं अपनी आइडेंटिटी लगा सकती हूँ, ए प्लस बी और ए माइनस बी की। यहाँ आ जाएगा मेरे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी की आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। साथ साथ मेंशन करते रहना आइडेंटिटी। न्यूमरेटर मेरा अभी भी सेम है, मैंने इसको नहीं किया। ये मेरे पास 81 हो गया। यहाँ पर मैंने ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 5 प्लस 6 प्लस 2 30 आ जाएगा, ठीक है। न्यूमरेटर अभी भी सेम ही है, इसको अभी भी मैंने चेंज किया। यहाँ से मैंने अपना ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो माइनस का 11 माइनस का 30 आ गया। तो आगे सॉल्व किया तो यहाँ पर मेरे पास 70 बचेगा माइनस का 2 30। रैशनलाइज तो ये अभी भी नहीं, ये डिनोमिनेटर में तो अभी भी, तो अभी आगे रैशनलाइज होगा दोबारा। अब आपको यहाँ पर 70 प्लस 2 30 से भी इंटू करना पड़ेगा, कि जब तक डिनोमिनेटर से कटता आपको रैशनलाइज करते रहना है, क्लियर है। अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा फर्स्ट नंबर सेकंड ब्रैकेट ना, तो 9 को इससे इंटू करोगे, ठीक है। फिर माइनस के रूट 5 से इसको इंटू करोगे, फिर माइनस के रूट 6 से भी इसको इंटू करोगे। नीचे आप पे सेम वही आइडेंटिटी लग रही है, ए प्लस बी और ए माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे का यहाँ देखो, 9 को 9 को अंदर इंटू कर रही हूँ, तो 6 30 प्लस 18 रूट 30 माइनस 70 रूट 5। रूट 5 को अंदर इंटू कर रही हूँ ना, 10 माइनस माइनस, ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पर। रूट 5 को रूट इंटू करोगे तो 150 आएगा। फिर माइनस का 70 रूट और माइनस का आपके पास आ जाएगा 180, ठीक है। क्या आ जाएगा आपके पास 4900 माइनस या 4 इंटू में 30। अब देखो, आपको कुछ कुछ चीजें सिंपलीफाई करनी पड़ेंगी, जैसे 30 प्लस 18 रूट भी ऐसे ही रहने दो, 70 रूट 5 भी ऐसे ही रहने। अब 150 के अगर आप फैक्टर देखो, तो 3 इंटू 5 इंटू 10 ना, 10 को 2 इंटू 5 लिख दिया। 70 रूट 6 ऐसे ही रहने दो, क्योंकि रूट बाहर नहीं निकल पाएगा कुछ। 180 के फैक्टर्स होते हैं 2 9 जे 18 और इंटू 10, तो 2 इंटू 5। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4900 माइनस का 120, ठीक है। 6 30 ऐसी है,
एटीन रूट थर्टी ऐसी है, सेवनटी रूट फाइव ऐसी, यहाँ से एक फाइव बाहर आ रहा है, आ जाएगा एक फाइव बाहर, तो बाहर टू है तो टू फाइव जो टेन बन गया, और अंदर क्या बचा आपके पास, रूट सेवनटी रूट ऐसी है, यहाँ से एक टू बाहर आ रहा है, पहले से बाहर एक टू है, ठीक है, और एक थ्री भी बाहर आ रहा है, टू टू जो फोर, थ्री जो ट्वेल्व हो जाएगा, अंदर सिर्फ रूट फाइव बचे। मैंने नाइन को भी बाहर निकाल लिया, थ्री की माइनस किया तो ये आ गया। अब लाइक टर्म्स को क्या करो, आप ऐड कर दो, लाइक टर्म्स मतलब ये दोनों ऐड हो सकती हैं आपकी, ये दोनों भी ऐड हो सकती हैं सॉल्व। तो एटीन रूट थर्टी, सेवेंटी रूट फाइव और ट्वेल्व रूट फाइव हो जाएगा, माइनस का एटी टू, और ये हो जाएगा माइनस का एटी रूट सिक्स। डिनोमिनेटर ऐसी है, हट गया डिनोमिनेटर में से, बस ये हो गया आपका रैशनलाइज। अब आपको इसको आगे कुछ कर, यही आप इसे छोड़ सकते, क्लियर, ये था आपके पास। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, प्लीज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 एंड एंगल वाई एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन की पहले आपको फिगर ड्रॉ करनी है। बात कह रहा है इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, फाइंड, आपको ये दोनों एंगल्स फाइंड करने हैं। स्टैटिक का क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा। वो करेंगे कैसे, वो यहाँ देखो, तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 27। सबसे पहले मुझे कह रहा था कि एक एंगल है एक्स वाई जेड और उस एक्स वाई को प्रोड्यूस करके पी पॉइंट आया है, ठीक है, तो पहले मैंने अपना एक एंगल ही बना दिया यहाँ, इसको मैंने नाम दे दिया एक्स, को वाई दे दिया और इस वाले को जेड दे दिया, इसको आपने प्रोड्यूस किया तो एक पॉइंट पी आ गया एक्स वाई को, क्या आ गया पॉइंट पी, क्लियर है। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोले ना वैसे वैसे ही आपको करना है। उसके बाद अब वो आपसे कह रहा है कि एंगल बाई सेक्टर्स भी, तो एक वाई क्यू बनना है जो एंगल बाई सेक्टर है, मतलब ये दोनों एंगल्स जो हैं वो इक्वल पार्ट्स में बटे हैं। क्वेश्चन में मुझे एंगल कौन सा दिया है, 64 दिया एक्स वाई जेड, ये वाला एंगल मुझे 64 क्वेश्चन में गिवन, और ये दोनों एंगल्स मेरे इक्वल होंगे, ठीक है, मैंने दोनों को x मान लिया, लेट कर लिया। अब निकालने कौन कौन से एंगल्स हैं वो देखो, एक्स वाई क्यू निकालना है, एक तो एक्स वाई क्यू यही वाला निकालना है, मैं इसको शेड कर देती हूँ, ये निकालना है, ठीक है, जिसको मैंने x माना है। एक रिफ्लेक्स निकालना है क्यू वाई पी का, वाई पी इसका रिफ्लेक्स निकालना है, चलेगा। सॉल्यूशन यहाँ पर अपना शुरू करते हैं, हमको कह रहा है कि एक्स वाई पी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब जो मेरा एंगल एक्स वाई जेड है प्लस जो एंगल मेरा पूरा जेड वाई पी है, वो दोनों तो 180 होंगे, मतलब ये वाला एंगल और ये दोनों एंगल्स मिला के, क्यों, ये लीनियर पेयर बना रहे, ये मुझे 64 डिग्री जेड वाई पी निकाल लेते हैं यहाँ से पहले, तो 180 माइनस का 60, तो 116 डिग्री आ गया। जेड वाई पी दो पार्ट्स में बटा हुआ है, एक जेड वाई क्यू और एक आपके पास है यहाँ पर वाई क्यू वाई पी लिख, और ये दोनों एंगल्स मेरे पास एक्स है, एक्स है, तो बाइसेक्टर था, वाई क्यू इज अ बाइसेक्टर, तो मतलब 116 इक्वल टू 2x, यहां से x कितना निकल गया मेरे पास 50, तो एक एंगल तो मेरा यहां पर फाइंड हो गया एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, अच्छा दोनों मिला के बताने हैं तो अभी फाइंड नहीं हुआ है, इसका मतलब ऐड करना पड़ेगा ना, तो वो हो जाएगा मेरे पास एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, तो 64
64 प्लस का 50, चलो ये तो निकल गया ठीक एंगल। अब इस वाले एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है, रिफ्लेक्स मतलब 360 से माइनस कर दो, वाई पी का निकालना है ना, तो 360 माइनस का 58 आ जाएगा 3। दो एंगल निकालने थे, दोनों यहां पर निकल गए। क्लियर? फिर भी अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, चॉइस में एक और क्वेश्चन दिया, आप उसको भी कर सकते हैं, ये भी आसान है। इसी चैप्टर का ये चैप्टर नंबर, चैप्टर हमने पूरा आरडी शर्मा प्लस एनसीईआरटी से कर, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर रखे हैं, सब चीज चैनल पे अपलोड है, कहीं पर दिक्कत लगे आप मुझसे ठीक है। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, द गिवन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये दोनों लाइंस पैरेलल दे रखे, ई एफ जो है ये परपेंडिकुलर है सी डी पे, तो 90 डिग्री का एंगल, जी ई डी ये वाला पूरा एंगल मुझे दे रखा है 120, फाइंड करना है ए जी ई, ए जी ई एक तो ये वाला एंगल, जी ई एफ ये छोटा सा एंगल, और एफ जी ई, एफ जी ई ये आसान है। देखो एंगल ए जी ई तो एंगल जी ई डी के इक्वल होगा, ऑल्टरनेट एंगल से तो दोनों लाइंस पैरेलल मुझे क्वेश्चन में गिवन, तो इसका मतलब एंगल ए जी ई ये वाला एंगल तो सीधा सीधा निकल गया 126 आ गया। अब एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई ये तो मेरे 180 होंगे, लीनियर पेयर बना रहे, तो ये 126 डिग्री है, तो मैं यहाँ से एफ जी ई निकाल सकती हूँ, तो एफ जी ई कितना आएगा, 180 में से 126 माइनस कर दो तो ये आ गया 50, चलो ये वाला एंगल भी आ, अब ये रह गया छोटे वाला, तो एंगल जी ई डी दो पार्ट्स में बटा हुआ है, एक एंगल जी ई एफ प्लस एफ ई डी, ये 126 पता है, ये निकालना है, ये 90 पता है क्वेश्चन में क्योंकि वो परपेंडिकुलर, तो यहाँ से मेरे पास जी ई एफ भी निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा 36, एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, हाईलाइट कर देती हूँ, एक ये रहा एंगल आपका, एक ये रहा और एक ये, तीन एंगल निकालने थे तीनों ने, फिर हुआ आज यही दो क्वेश्चन करते हैं, अभी और तीन तीन या चार क्वेश्चन रह रहे हैं, वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, देन हमारे सेक्शन और भी अपलोड है, आप चैनल पे वहाँ से कर सकते, इन क्वेश्चंस में कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके ज़रूर पूछ, वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए।